अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में मैं हूँ आमना अवकाश। मेरा चैनल कुकिंग और व्लॉग्स का है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सा व्लॉग। ईद की शॉपिंग की है वो आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। पहले ही मैंने जो है इनको पैकेट्स में से निकाल लिया है क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि क्या क्या लिया है। तो आपको मैं बताती चलूँ कि जो याया की शॉपिंग है वो इसके दादा बू ने करवाई है। उन्होंने कहा था इसको मेरी तरफ से ईद की शॉपिंग करवाना। तो चलें फिर मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ कि हमने क्या क्या लिया है। ये देखें, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इधर। ये याया के सैंडल लिए हैं हमने, ये वाले ये सैंडल हैं। माशाल्लाह से इसका पाँव काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो सैंडल लेने में ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। 11 नंबर है, यह आपको नंबर नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर, नंबर तो थोड़ा मुश्किल से मिलता है। और ये वाला जो है एक निकर शर्ट ली है हमने, ये इसके साथ ये वाइट कलर की शर्ट है इस तरह से। ये देखें, ये देखें आप, ये शर्ट है और इसके साथ मैंने ये ले ली हैं एक ये टाई और साथ में ये स्ट्रिप्स हैं और ये शॉर्ट्स। ये निकर ली है, थोड़ी सी लॉन्ग निकर है, ये देखें। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जो है ना इस कपड़े की क्वालिटी है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। कॉटन की शर्ट है इसके साथ। एक ये ड्रेस लिया है याया के लिए। बहुत ज़्यादा इस दफ़ा जो है याया के कपड़े नहीं लिए हैं क्योंकि छोटी ईद पे जो है ना इसके काफ़ी ज़्यादा कपड़े ले लिए थे। इतना आना जाना तो कहीं होता नहीं है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से अभी वो पड़े हुए हैं। तो अभी आपको और भी मैं दिखाती चलती हूँ। ये देखें, शर्ट जो है थोड़ी सी ही बड़ी ली थी क्योंकि ये कॉटन है, मे बी श्रिंक हो जाए धुलने के बाद, तो इस वजह से साथ में ये। और एक जो है ये भी लॉन्ग निकर ली है, शॉर्ट्स है और इसके साथ जो है वो वाली ये वाली शर्ट ले ली है। ये देखें यहाँ ये शर्ट है, इस तरह से बनी हुई है। ये देखिए शॉपिंग जो है याया की वो मोती बाज़ार से की है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है बच्चों के कपड़ों की, आसानी से मिल जाते हैं कपड़े और बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं। जिस तरह के आप चाहें आप जो है वहाँ से कपड़े ले सकते हैं और मुनासिब रेट्स के ऊपर मिलते हैं। तो ये जो याया के सैंडल और दो जोंस है हमने सूट लिए हैं, ये 4000 में लिए हैं। अबू ने इसको 5000 दिए थे, अभी इसका 1000 बाकी है। तो ये वाला जो एक सूट है कमीज शलवार है, ये इसको इसकी फुफो ने गिफ्ट किया है तो इस वजह से कमीज शलवार नहीं ली है और पहले भी इसकी पड़ी हुई है। ये देखें, इसने ख़ुद अपनी पसंद से मंगवाया था कि मुझे जो है फुफो वाइट कलर का लेना है। ये इसके साथ ट्राउज़र है और ये जो है ये कुर्ता बना हुआ है। ये देखें मैं आपको उठकर दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से इसकी नेक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो ये है याया की शॉपिंग। अभी इसको एक और सैंडल लेके देनी है और ग्लासेस और वॉच लेके देनी है, वो आप जब जाएंगे तो फिर इसको ले देंगे। तो चलें ये तो होगी याया की शॉपिंग, अब दिखाते हैं याया के बाबा की शॉपिंग। तो वो नन्नी मुन्नी चुन्नी सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एक वकास ने सैंडल लिए हैं अपने ड्रेस के साथ मैच किए हुए। गुल अहमद का वकास ने सूट लिया था और टेलर से जो है इसको स्टिच करवाया है। वकास जो है अपने कपड़े स्पेशल इधर टेलर से सिलवाते हैं, हमारे यहाँ सदर में ये टेलर हैं इधर से, ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये कपड़े स्टिच करते हैं। ये देखें आप, तो बस ये एक सूट है, खोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधी कमीज़ और शलवार है। और ये वकास ने जो है स्टड्स लिए हैं इसके साथ, ये वाले
और ये नगीनों वाली अंगूठियाँ, हीरे हैं, हीरे इसके अंदर, ये देखें आप, हीरे लगे हुए हैं, मजाक कर रही हूँ। और ये वाले एक स्टड्स लिए हैं वैसे ही साथ में। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी शॉपिंग। पहले मैं आपको ये वाला ड्रेस दिखाती हूँ, ये सिंपल सा है, जैकार्ड का है, पेपर कॉटन के ऊपर, लाइट कलर है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर जो है मैं डार्क कलर का कोई भी कम्बिनेशन करके तो इसको बना लूँगी लेसिस वगैरह लगा कर। लाइट ही कलर थे इसके अंदर, तो मेरे पास जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर पहले से मौजूद थे, तो इस वजह से मैंने ये वाला ले लिया है। इसके साथ सिंपल जो है ये ट्राउज़र का कपड़ा लिया है, ये जब स्टिच करूँगी फिर आपको बताऊँगी। तो एक ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने वकास की पसंद का लिया है, और ये वाला जो है ये मैंने अपनी पसंद का लिया है। दोनों के ऊपर ही मिरर्स आ रहे हैं। तो चलिए फिर मैं आपको पहले ये वाला खोल के दिखाती हूँ, और एक मैंने इसके साथ सिर्फ ये पिन ली है, आप देख सकते हैं ये प्यारी सी, पता नहीं लगाऊंगी भी या नहीं लगाऊंगी, क्योंकि याया जो है ना मेरी चीज़ें गुम कर देते हैं, और अगर मैंने लगाई हुई हों तो उसे शायद अच्छी ही नहीं लगती, वो उतार देता है। चलिए फिर मैं आपको पहले ये वाला खोल कर दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये ए लाइन फ्रॉक बना हुआ है, इधर नीचे इसके ये फ्रिल लगी हुई है, ये देखें बहुत ही प्यारा लग रहा था ये ड्रेस। और ऊपर ये इसके कढ़ाई हुई हुई है, ये थोड़ा सा तिल्ला है और ये कढ़ाई है कपड़े के साथ की, और ये ऊपर इसके जौन सा है, काफ़ी प्यारे मिरर्स लगे हुए हैं, चिपके हुए नहीं हैं ये, ये जो है ना इसके ऊपर जौन सा है अच्छे से उन्होंने फिक्स किए हुए हैं सिलाई के साथ। और ये देखें खुली खुली फ्रॉक है, ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें इसका किस तरह से सारा काम हुआ हुआ है। और ये जो है ऊपर इसके थोड़े ऐसे बीड्स लगे हुए हैं, ये इसके बाजू हैं साथ के ही, और इसके आगे भी जौन सा है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और दूसरे बाजू पे भी ये देखें इसी तरह से है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी शॉपिंग कैसी लगी। इसके साथ जो है ट्राउज़र है वो भी आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा ट्राउज़र बना हुआ है खुला सा। तो ये देखें ये वाला इसके साथ ट्राउज़र है, सेम ट्राउज़र है इसके साथ, और नीचे जो है ये इस तरह से इसके भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और साथ में ना इसके ये वाला दुपट्टा है, ये जिस तरह के आजकल दुपट्टे चल रहे हैं, और ये समोसियाँ पता नहीं क्यों लगा दी हैं, शीशे लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो सूट है मैंने ना 2500 का लिया है मोती बाज़ार से ही, आप देख लें, ये देखें। अब मैं आपको दूसरा वाला दिखाती हूँ। तो अब जो है मैं आपको ये वाला ड्रेस दिखाती हूँ, ये जो है लॉन कॉटन की इसकी शर्ट बनी हुई है, ठहरे मैं ओपन कर लूँ ना फिर आपको दिखा। तो ये देखें आप शर्ट, इसके नीचे इधर ये समोसियों वाला वर्क हुआ हुआ है, और ऊपर जो है ये मिरर इसके लगे हुए हैं, ये देखें ये इसके मिरर हैं, और ये भी जो है इसके ऊपर कढ़ाई सी हुई हुई है, सेम कलर की है, और ये इसका जो है गला बना हुआ है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं गोल गला है, और ये इसके बाजू हैं ये, और गेंजा के इसके बाजू हैं आगे से इस तरह से, इनके ऊपर कट वर्क है, और ये कढ़ाई हुई हुई है, तिल्ला है, सही अच्छे से बाजू बने हुए हैं खुले खुले से, ये देखें, ये देखें ये है। और इसके साथ जो है ये वाला दुपट्टा है बाजुओं के साथ का, ये देखें। लेना तो मैं ये वाला दुपट्टा नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे दूसरा कोई मिला नहीं, मैंने कहा ऐसा ले लूँगी जो कि सर पर भी ठहरे, लेकिन कलर नहीं था मिल रहा। शर्ट जो है मैंने सेपरेट ली है, और ट्राउज़र और दुपट्टा मैंने जो है सेपरेट लिया है, क्योंकि जो उनके पास दुपट्टे थे वो अच्छे नहीं थे, वो दूसरे थे क्रिंकल टाइप के, और कलर भी सही से मैच नहीं हो रहा था। और ट्राउज़र जो थे उनके पास वो भी ऑफ वाइट कलर के, स्किन कलर के कुछ इस तरह से थे, उसमें भी कलर नहीं था, तो मैंने जो है प्लेन कपड़ा ले लिया है।
और ये मैं इसके साथ जो है ख़ुद ट्राउज़र स्टिच कर लूँगी और नीचे जो है इस तरह का समोसियों वाला डिज़ाइन बना लूँगी। और फिर मैं पूरी बनूँगी जर्दे की देग, जर्दे की देग लगूँगी मैं। ये देखिए, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। और मैं बताती चलूँ कि ये भी मैंने मोती बाज़ार से लिया है। ये जो सिर्फ शर्ट ली है मैंने वो 1600 की दे रहे थे, लेकिन मैंने लेस करवा के तो 1300 की ली है। दुपट्टा जो है मैंने 400 का लिया है, और जो ट्राउज़र है लॉन का ये मैंने 450 का लिया है। तो कितने पैसे बन गए आप हिसाब लगा लें, 2200-2300 तक आपका जो है बेहतरीन सूट आ जाएगा। और ये जो सैंडल हैं ये बस वैसे ही ले लिए हैं, सैंडल अभी मैं लूँगी। ये सिंपल से सैंडल बने हुए हैं, ये जो है 650 के लिए हैं। ये तो ये थी हमारी आज की शॉपिंग जो कि मैंने की और आपके साथ मैंने शेयर की। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कुकिंग की या एक व्लॉग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।